बहुत थोड़े मसाइल ऐसे हैं जिसमें कुरान हदीस की रोशनी में इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी रहमहुल्लाह जिनकी फ़िक्ह को और जो इन्होंने कुरान हदीस से मसाइल निकाले जिन्हें अल्लाह ने खूब कबूलियत बख्शी है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, तकरीबन 99% मुसलमानों का तबका इन्हीं हैदरात की तशरीह पर इस वक्त दुनिया में अमल कर रहा है। इन्हीं चारों आइम्मा को अल्लाह ने यह कबूलियत और ये फजीलत बख्शी है। तो बहुत नमाज के बहुत थोड़े मसाइल हैं जिन पर इन दोनों इन चारों हजरात की राय एक हो। तो नमाज तरावी 20 रकात ये वो मसला है जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह इन चारों आइम्मा का मुकम्मल इत्तेफाक है। इमाम अबू हनीफा उन्होंने भी हदीस की रोशनी में इसी बात पर इत्तेफाक किया, इमाम शाफी ने हदीस की रोशनी में इसी पर इत्तेफाक किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने हदीस की रोशनी में इसी पर इत्तेफाक किया, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने हदीस की रोशनी में इसी पर इत्तेफाक। यही वजह है कि शुरू से लेकर आज तक हरमैन शरीफ़ैन के अंदर भी 20 तरावियों का सिलसिला शुरू से लेकर, क्योंकि चारों आइम्मा वो आम तौर पे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की पैरवी करते हैं और कुरान हदीस से जो उन्होंने मसाइल निकाले उसकी इत्तेबा करते हैं। तो पहले वहाँ चार मुसल्ली हुआ करते थे चारों आइम्मा के, बाद में फिर एक इमाम के मुताबिक वहाँ नमाज का सिलसिला हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर आज तक वहाँ 20 रकात का अहतमाम है। इसलिए कि ये वो मसला है नमाज का जिस पर चारों आइम्मा का इत्तेफाक रहा, चारों आइम्मा का इत्तेफाक रहा है। और रमज़ान में ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, मुसाफात पूरे साल कुरान सुनने के मौका नहीं मिलता बल्कि तौफीक भी नहीं होती, लेकिन सुभानअल्लाह इन 20 तरावियों की बलबदौलत कमज़ोर से कमज़ोर मुसलमान को पूरे कुरान सुनने की सआदत मिल जाती है। एक तो नमाज कुरान का सुनना है बैठे बैठे, और नमाज से अलहदा कुरान सुनना उस पर भी बहुत अजर है, और फिर एक रमज़ान में कुरान सुनना और वो भी नमाज में सुनना बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो इस नेमत की बदौलत आम से आम मुसलमान को भी ये सआदत मिलती है कि वो रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में पूरा कुरान सुन लेता है, पूरा कुरान सुन लेता है। अजीब सी खुराफात दराए अबलाग पर मुसलमानों के कानों में ये बातें डाले जाते, रामी तो नफल है पढ़ लो तो न पढ़ो कोई बात नहीं, यानी मौजू बहस यही बन गया है। और बाज़ तो ऐसे कुछ पढ़ के चला जा रहा है, उसी का नतीजा है वही ज़राए अबलाग की फजूलियात और लगवियात जो कानों में पढ़ पढ़ के ये जेन बन गया, पढ़ ली कोई बात नहीं, चार पढ़ ली, छः पढ़ ली, आठ पढ़ ली, दस पढ़ ली, और दो दिन पढ़ ली काफ़ी है, पाँच दिन पढ़ ली काफ़ी है, पढ़ी ना पढ़ी बराबर है। पहले मुसलमानों में ये चीज़ें नहीं थी, और कसरत से चूँकि इर्द गिर्द कानों में इस किस्म के फराफात पड़ती रहती है तो इस इबादत की अजमत अहमियत दिलों से निकलती चली जा रही है। ये जो अल्लाह ने इतनी बड़ी सआदत दी है और इतनी बड़ी नेमत मिली है और इतनी बड़ी नेकियों का एक सिलसिला मिला है, मुसलमान इससे मालूम होते चले जा रहे हैं। तो मर्द है या औरत उसके लिए नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। हाँ, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से फरमाया, आयशा बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ना चाहती हो? कहा या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया अपने हुजरे के अंदर नमाज पढ़ लो, ये ऐसा है जैसे बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ रही। मर्द के लिए फजीलत की बात है,
مسجد میں نماز پڑھنا عورت کے لیے فضیلت کی بات ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جتنا اندر کمرے میں پڑھے گی اس کا اجر بڑھ جائے گا۔